आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं, बात करूं, बात करूं, बात करूं, बात करूं, बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग, दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगे जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूजडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे दिव्या शर्मा, और ये है आपका अपना शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, तैयार हैं आप एक और इंग्लिश सेशन के लिए? वेल, एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी ही जानते हैं कि अभी तक हमने बात की, अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात की जाए, कि जो कुछ पिछले 2-3 एपिसोड से हम चल रहे हैं, वो हम बात कर रहे थे। पहले हमने की इंडेफिनेट सेंटेंसेस की बात, फिर हमने बात की कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, फिर परफेक्ट सेंटेंसेस की, और अब आज हम बात करेंगे परफेक्ट सेंटेंसेस की। ये सभी सेंटेंसेस हमने बनाए अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में। तो हमने बात की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स की भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे परफेक्ट सेंटेंसेस की, इन्हीं 3 फॉर्म्स में, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों, फॉर योर इंस्टेंट व्यूज एंड फीडबैक्स, आप हमें ऐड कीजिए। स्काइप आईडी है हमारी रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudaan.com। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस की। बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के संग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं बनाऊंगी और उसके बाद 5 सेकंड की मोहलत पे आप अपनी इंटरोगेशन कर सकते हैं, खुद बना के देख सकते हैं, और फिर तो मैं बता ही दूंगी 5 सेकंड्स में। मैं यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ। मैं यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ। सोचिए दोस्तों, क्या आएगा इसमें? मैं यहाँ पे 5 सालों से रह रही हूँ। सोचिए, 5 सेकंड दे देती हूँ आपको, क्या पता आपको आता हो, और नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम है, बता ही दूंगी मैं। सोचिए, मैं यहाँ पे 5 सालों से रह रही हूँ। 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मैं यहाँ पे 5 सालों से रह रही हूँ। आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years। आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको? चलिए और बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2 घंटे से खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे 2 घंटे से खड़ी हुई हूँ।
सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। चलिए मैं ही बता देती हूँ कुछ एक पहले। मैं यहाँ पे 2 घंटों से खड़ी हुई हूँ। I have been standing here for 2 hours। ठीक है दोस्तों, आगे बारिश सुबह से हो रही है। बारिश सुबह से हो रही है, सोचिए दोस्तों, थोड़ा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा डिफरेंस है, बना के देखिए, बता तो मैं दूंगी। बारिश सुबह से हो रही है। Your time starts now। तो अब मैं बता देती हूँ, बारिश सुबह से हो रही है। It has been raining since morning। Yes, you heard it right। It has been raining since morning। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 99% लोग जो होते हैं वो गलती यहीं पे करते हैं, सिंस और फॉर में, राइट? फॉर या फिर सिंस में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हमें पता ना हो कि कितने एग्जैक्ट टाइम से बारिश हो रही है जैसे, तो अगर हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो हम फॉर लगाते हैं। जैसे इट हैज बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बिन स्टैंडिंग हियर फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने समय से, हमने बताया कि लगभग इतने घंटों से या इतने समय से, ठीक है, हमने डायरेक्ट नहीं बताया, बिल्कुल डेफिनेट नहीं बताया। अगर यहाँ पे होता कि मैं यहाँ पे 2010 से रह रही हूँ, मैं यहाँ पे 2010 से रह रही हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे सिंस आता। क्यों? क्योंकि हमने साफ साफ बता दिया कि 2010 से मैं यहाँ रह रही हूँ। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2010। अगर यहाँ पे होता कि मैं 2 सालों से रह रही हूँ, तो आई हैव बिन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, राइट दोस्तों? तो अब जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। अगर हमें बिल्कुल समय पता है, पूरी डेट पता है, डे पता है, टाइम पता है, तो हम लगाएंगे सिंस, ठीक है दोस्तों, सिंस लगेगा। और अगर हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि कुछ सालों से या 2-3 घंटों से या 2-3 दिनों से या कुछ महीनों से, तो ये यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, बट विद प्रैक्टिस आई थिंक यू विल एक्सेल दिस ट्रेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ। ये मैंने शुरू में क्लैरिफाई इसलिए किया ताकि थोड़ी आसानी हो जाए आपको ये सेंटेंसेस बनाने में। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको काफी यूजफुल लगा होगा ये ट्रिकी सा टिप। चलिए बढ़ते हैं आगे और 5 सेकंड की मोहलत पे पूछने जा रही हूँ मैं कुछ और सेंटेंसेस। बात चल रही है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस की, अफर्मेटिव। मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, या मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मैं 5 घंटे से पढ़ रही हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें हैव बीन आता है, ठीक है दोस्तों? हैव बिन दर्शाता है कि ये कॉन्टिन्यूस है और परफेक्ट है। तो आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मैं सुबह से खेल रही हूँ, मैं सुबह से खेल रही हूँ। चलिए, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए। मैं सुबह से खेल रही हूँ। Your time starts now। Time's up। मैं सुबह से खेल रही हूँ। I have been playing since morning। राइट दोस्तों, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो चलिए एक दो और बनाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे थोड़ा। मैं सुबह से खाना पका रही हूँ, मैं सुबह से खाना पका रही हूँ। सोचिए दोस्तों, मैं सुबह से खाना पका रही हूँ। चलिए, 5 सेकंड है, जल्दी जल्दी कीजिए।
मैं सुबह से खाना पका रही हूँ। टाइम्स अप, मैं सुबह से खाना पका रही हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों एक और सेंटेंस, मैं एक घंटे से रेडियो उड़ान सुन रही हूँ। मैं एक घंटे से रेडियो उड़ान सुन रही हूँ। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। मैं एक घंटे से रेडियो उड़ान सुन रही हूँ। टाइम्स अप, मैं एक घंटे से रेडियो उड़ान सुन रही हूँ। आई हैव बीन लिसनिंग टू रेडियो उड़ान फॉर 1 आवर। आई हैव बीन लिसनिंग टू रेडियो उड़ान फॉर 1 आवर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा आपको। ये बात कर रहे थे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। अब कुछ एक सेंटेंसेस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हम एक दिन से तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। हम एक दिन से तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, हम एक दिन से तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप, हम एक दिन से आपकी इंतजार कर रहे हैं या तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। We have been waiting for you for 1 day. We have been waiting for you for 1 day. ऐसे ही हम कुछ घंटों से बाहर आए हुए हैं। हम कुछ घंटों से बाहर आए हुए हैं। सोचिए। Time's up. We have been out for a few hours. We have been out for a few hours. हम कुछ घंटों से बाहर आए हुए हैं। We have been out for a few hours. तो दोस्तों ये बात हुई first person singular plural present perfect continuous affirmative sentence की। चलिए second person subject की ओर बढ़ते हैं। आप बनाएंगे अब। तुम आधे घंटे से mystery of 20 से सुन रही हो। तुम आधे घंटे से मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रही हो। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम आधे घंटे से मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रही हो। तुम आधे घंटे से मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रही हो। टाइम्स अप। You have been listening to Mystery of 26 for half an hour. You have been listening to Mystery of 26 for half an hour. तो दोस्तों चलिए आगे बनाते हैं। तुम 4 घंटों से पढ़ाई कर रही हो। तुम 4 घंटों से पढ़ाई कर रही हो। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम 4 घंटों से पढ़ाई कर रही हो। टाइम्स अप, तुम 4 घंटों से पढ़ाई कर रही हो। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुम 2002 से मोहन के साथ रह रही हो। तुम 2002 से मोहन के साथ रह रही हो। सोचिए, बनाइए, और 5 सेकंड है आपके पास। तुम 2002 से मोहन के साथ रह रही हो। टाइम्स अप, तुम 2002 से मोहन के साथ रह रही हो। यू हैव बीन लिविंग विद मोहन सिंस 2002। यू हैव बीन लिविंग विद मोहन सिंस 2002।
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस। तुम दो दिनों से इस लेटर की इंतजार कर रहे हो। तुम दो दिनों से इस लेटर की इंतजार कर रहे हो। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम दो दिनों से इस लेटर की इंतजार कर रहे हो। टाइम्स अप। तुम दो दिनों से इस लेटर की इंतजार कर रहे हो। यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस लेटर फॉर 2 डेज। यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस लेटर फॉर 2 डेज। तो दोस्तों, ये बात हुई सेकंड पर्सन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब चलते हैं आगे थर्ड पर्सन की ओर। तो पहला सेंटेंस आपके लिए ये है, सीता कुछ घंटों से खाना पका रही है। सीता कुछ घंटों से खाना पका रही है। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। सीता कुछ घंटों से खाना पका रही है। तो समय समाप्त। सीता कुछ घंटों से खाना पका रही है। सीता हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर अ फ्यू आवर्स। सीता हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर अ फ्यू आवर्स। ऐसे ही दोस्तों, मोहन कुछ दिनों से दुखी लग रहा है। मोहन कुछ दिनों से दुखी लग रहा है। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मोहन कुछ दिनों से दुखी लग रहा है। मोहन हैज बीन साउंडिंग सैड For a few days. Mohan has been sounding sad for few days. तो दोस्तों, ये हुई सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात। चलो एक और बना लेते हैं। माँ 10 मिनट से तुम्हें आवाज मार रही है। माँ 10 मिनट से तुम्हें आवाज मार रही है। जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। माँ 10 मिनट से तुम्हें आवाज मार रही है। सोचिए। टाइम्स अप। माँ 10 मिनट से तुम्हें आवाज मार रही है। माँ हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 10 मिनट्स। माँ हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 10 मिनट्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, माँ हैज बीन कॉलिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ। वे सब पिछले 20 मिनट से शोर मचा रहे हैं। वे सब पिछले 20 मिनट से शोर मचा रहे हैं। They all have been making a noise for last 2 hours. For 2 hours. They all have been making a noise for 2 hours. ऐसे ही दोस्तों, सभी छात्र 2 दिनों से छुट्टी पे हैं। सभी छात्र 2 दिनों से छुट्टी पे हैं। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। सभी छात्र 2 दिनों से छुट्टी पे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन अ लीव फॉर 2 डेज। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन अ लीव फॉर 2 डेज। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अब ले लेते हैं एक छोटी सी प्रोमो एड और उसके बाद आके बात करते हैं आगे इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस की। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज या कोई भी आप
कोई शंका है, कोई भी क्वेश्चन है आपके दिल दिमाग में, तो लिख भेजिए हमें। हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com। फीडबैक देना ना भूलिएगा। और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा URL है www.facebook.com/radioudaan। और स्काइप पे जैसे कि मैंने पहले बताया, आप हमें इंस्टेंटली ऐड करिए। हमारा आईडी है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। तो ये सभी सोर्सेस हैं आपके लिए, ताकि आप हमारे साथ इंस्टेंटली जुड़ सकें। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस शेयर कीजिए हमारे साथ। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। आगे बढ़ते हैं। करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद, और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू, और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 PM एंड रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑन ट्यूसडे 5 to 6 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udaan every Thursday 9 to 10 PM and repeat every Friday 4 to 5 PM. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अगले सेगमेंट में, और हमने अभी तक बात की है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव फॉर्म। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस इन इंटरोगेटिव फॉर्म। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com। चलिए बनाते हैं फिर सेंटेंसेस। क्या मैं इस शहर में 5 साल से रह रही हूँ? क्या मैं इस शहर में 5 साल से रह रही हूँ? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास, फिर तो मैं बता ही दूंगी। क्या मैं इस शहर में 5 सालों से रह रही हूँ? टाइम्स अप। क्या मैं इस शहर में 5 सालों से रह रही हूं? सोचिए, लास्ट चांस है। हैव आई बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years? हैव आई बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years? क्या मैं इस शहर में 5 सालों से रह रही हूं? ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रही हूं? क्या मैं 2 घंटों से टीवी देख रही हूं? बनाइए, अब 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैं 2 घंटों से टीवी देख रही हूँ?
टाइम्स अप, क्या मैं 2 घंटों से टीवी देख रही हूँ? हैव आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? हैव आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? ऐसे दोस्तों, अगला, क्या मैं 2 दिनों से तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ? क्या मैं 2 दिनों से तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैं 2 दिनों से आपकी इंतजार कर रही हूँ? टाइम्स अप। तो मैं पूछी थी, क्या मैं 2 दिनों से आपकी इंतजार कर रही हूँ? हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज? हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही, क्या मैं 5 सालों से इस दफ्तर में काम कर रही हूँ? क्या मैं 5 सालों से इस दफ्तर में काम कर रही हूँ? बनाइए आप, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैं 5 सालों से इस दफ्तर में काम कर रही हूँ? टाइम्स अप। क्या मैं 5 सालों से इस दफ्तर में काम कर रही हूँ? हैव आई बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर्स? हैव आई बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर्स? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बनाते हैं। क्या हम 2010 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या हम 2010 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या हम 2010 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? टाइम्स अप। क्या हम 2010 से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? हैव वी बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010? हैव वी बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010? समझ आया दोस्तों आपको, यहाँ पे सिंस क्यों आया? समझ ही गए होंगे आप, खुद ही सोचिए, बता तो मैं चुकी हूँ पहले। तो बढ़ते हैं आगे एक और सेंटेंस फर्स्ट पर्सन में, फिर बढ़ेंगे सेकंड पर्सन की ओर। क्या हम रात से उठे हुए हैं? क्या हम रात से उठे हुए हैं? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। क्या हम रात से उठे हुए हैं? क्या हम पिछली रात से उठे हुए हैं? 5 सेकंड है आपके पास, खत्म होने वाले, जल्दी सोचिए। टाइम्स अप। क्या हम रात से उठे हुए हैं? हैव वी बीन अवेक सिंस लास्ट नाइट? हैव वी बीन अवेक सिंस लास्ट नाइट? ठीक है दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर, सेकंड पर्सन इंटरोगेटिव सिंगुलर प्लूरल। क्या तुम 5 दिनों से यहाँ आ रहे हो? क्या तुम 5 दिनों से यहाँ आ रहे हो? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुम 5 दिनों से यहाँ आ रहे हो? टाइम्स अप। क्या तुम 5 दिनों से यहाँ आ रहे हो? हैव यू बीन कमिंग हेयर फॉर 5 डेज? Have you been coming here for 5 days? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही, क्या तुम कुछ महीनों से रेडियो उड़ान सुन रहे हो? क्या तुम कुछ महीनों से रेडियो उड़ान सुन रहे हो? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। क्या तुम कुछ महीनों से रेडियो उड़ान सुन रहे हो? टाइम्स अप।
क्या तुम कुछ महीनों से रेडियो उड़ान सुन रहे हो? हैव यू बीन लिसनिंग टू रेडियो उड़ान फॉर फ्यू मंथ्स? हैव यू बीन लिसनिंग टू रेडियो उड़ान फॉर अ फ्यू मंथ्स? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या तुम सब कल से स्कूल आ रहे हो? क्या तुम सब कल से स्कूल आ रहे हो? कहने का मतलब है कि जो बीता हुआ कल है तो तब से स्कूल आ रहे हो तुम, तो क्या तुम सब कल से स्कूल आ रहे हो? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। टाइम्स अप, क्या तुम कल से स्कूल आ रहे हो? हैव यू ऑल बीन कमिंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे? हैव यू बीन कमिंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे? एक और बोल देती हूँ सेकंड पर्सन में, तो जल्दी से आप बताइए। क्या तुम मंडे से यात्रा कर रही हो? क्या तुम मंडे से यात्रा कर रही हो? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। क्या तुम मंडे से यात्रा कर रही हो? टाइम्स अप, क्या तुम मंडे से यात्रा कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो? इसका बनेगा हैव यू बीन ट्रेवलिंग सिंस मंडे? Have you been traveling since Monday? ठीक है दोस्तों, ये बात हुई second person interrogative present perfect continuous sentences की। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं third person subject के साथ interrogative present perfect continuous sentences की। क्या मोहन संडे से छुट्टी पे है? क्या मोहन संडे से छुट्टी पे है? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए, फिर तो मैं बता ही दूंगी, तो सोचिए। क्या मोहन संडे से छुट्टी पे है? टाइम्स अप, क्या मोहन संडे से छुट्टी पे है? हैज मोहन बीन ऑन अ हॉलीडे सिंस संडे? Has Mohan been on a holiday since Sunday? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या संगीता सुबह से पढ़ाई कर रही है? क्या संगीता सुबह से पढ़ाई कर रही है? 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। क्या संगीता सुबह से पढ़ाई कर रही है? टाइम्स अप, क्या संगीता सुबह से पढ़ाई कर रही है? हैज संगीता बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? हैज संगीता बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या दानिश 2 घंटे से शो प्रेजेंट कर रहा है? क्या दानिश 2 घंटे से शो प्रेजेंट कर रहा है? 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए और जल्दी से बनाइए। क्या दानिश 2 घंटे से शो प्रेजेंट कर रहा है? Time's up. Has Danish been presenting the show for 2 hours? ऐसे ही क्या वे सब कल शाम से पिकनिक पे गए हुए हैं? क्या वे सब कल शाम से पिकनिक पे गए हुए हैं? 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए। क्या वे सब कल शाम से पिकनिक पे गए हुए हैं?
टाइम्स अप? क्या वे सब कल शाम से पिकनिक पे गए हुए? हैव दे ऑल बीन टू अ पिकनिक सिंस लास्ट इवनिंग? हैव दे ऑल बीन टू अ पिकनिक सिंस लास्ट इवनिंग? तो दोस्तों, समझ आया आपको ये बात कि हमने इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की? उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। कैसे हम पहले हैज लगा देते हैं और बीन अकॉर्डिंगली बीच में आ जाता है, तो ये आपको जज करना पड़ेगा कि कहाँ, कैसे और क्यों लगेगा। पर बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री एंड कॉन्टेक्ट अस। अवर वेबसाइट इज www.radioudaan.com। फीडबैक भेजना मत भूलिएगा क्योंकि फीडबैक्स कीप अस एक्टिव, हमें बताते हैं कि हमारे लिसनर्स को शो हेल्पफुल और पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो ऐड के उस पर नेगेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यू सेंटेंसेस के साथ। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैन अंकल स्टूडियो, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो बने अपनो सूर निराळो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके घर वाले आपको पसंद करें, आपसे खुश रहें, आपकी प्रशंसा करें, तो आइए हमारे साथ रेडियो उड़ान के कार्यक्रम जायकेदार बातें में। इस कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपका जीवन बने आसान और आप रहे हमेशा सेहतमंद। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, सुनिए हमारा कार्यक्रम जायकेदार बातें। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 8 बजे। तो सुनना ना भूलिएगा हमारा कार्यक्रम जायकेदार बातें। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन। से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। से एवरीथिंग अ ग्रुप ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international mailing list. Come and join us today. तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आधे घंटे से गाने नहीं सुन रही हूँ। मैं आधे घंटे से गाने नहीं सुन रही हूँ।
मैं आधे घंटे से गाने नहीं सुन रही हूँ। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से बनाइए, बहुत इजी है ये। मैं आधे घंटे से गाने नहीं सुन रही हूँ। टाइम्स अप। मैं आधे घंटे से गाने नहीं सुन रही हूँ। आई हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स फॉर हाफ एन आवर। आई हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स फॉर हाफ एन आवर। मैं 3 दिनों से पेपरों की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं 3 दिनों से पेपरों की तैयारी नहीं कर रही हूँ। 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए। मैं 5 दिनों से पेपरों की तैयारी प्रिपेरेशंस नहीं कर रही हूँ। Time's up. I have not been preparing for the exams for 3 days. I have not been preparing for the exams for 3 days. एक अब जो सेंटेंस बोलूंगी वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो बात कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, पर अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एक सेंटेंस बनाऊंगी तो आप बनाएंगे। क्या मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ? क्या मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ? ध्यान से बनाइएगा, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वैसे तो बात चल रही है नेगेटिव सेंटेंसेस की, पर ये एक सेंटेंस जो मैंने डाला है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ? 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए। क्या मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ? Time's up. क्या मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ? Have I not been going to the school for 3 days? Have I not been going to the school for 3 days? तो दोस्तों बात चल रही है negative sentences की, ये एक sentence interrogative negative add किया था मैंने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ। मैं 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ। जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मैं 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 5 डेज। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 5 डेज। हम कुछ समय से रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे हैं। हम कुछ समय से रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे हैं। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। हम कुछ समय से रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे हैं। टाइम्स अप। हम कुछ समय से रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द रेडियो उड़ान फॉर सम टाइम। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द रेडियो उड़ान फॉर सम टाइम। तो ऐसे ही हम 3 सालों से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। हम 3 सालों से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। हम 3 सालों से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मतलब होता नहीं है जैसे आप हर साल जाते हो, पर आप अब बता रहे हो किसी को कि नहीं यार, 3 सालों से हम दिल्ली नहीं गए हैं। टाइम्स अप। हम 3 सालों से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन टू दिल्ली फॉर 3 ईयर्स। वी हैव नॉट बीन टू दिल्ली फॉर 3 ईयर्स। समझ आया आपको? एक बार फिर से बोल देती हूँ।
We have not been to Delhi for 3 years. ऐसे ही हम 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं. हम 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. हम 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं. Time's up. हम 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं. We have not been making a noise for 10 minutes. We have not been making a noise for 10 minutes. ठीक है दोस्तों, ये बात हुई first person singular, plural, perfect continuous negative sentence की. अब बात करते हैं second person में. तुम संडे से स्कूल नहीं आ रहे हो. तुम संडे से स्कूल नहीं आ रहे हो. 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए. Time's up. तुम संडे से स्कूल नहीं आ रहे हो. You have not been coming to the school since Sunday. तुम संडे से स्कूल नहीं आ रहे. You have not been coming to the school since Sunday. ऐसे ही आप 10 दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो. आप 10 दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. इजी है ये सेंटेंस. आप 10 दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो. Time's up. तुम 10 दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो. You have not been coming to work for 10 days. You have not been coming to work for 10 days. आप सब 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. आप सब 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. आप सब 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. Time's up. आप सब 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. You all have not been studying for 1 hour. You all have not been studying for 1 hour. या फिर you all have not been studying for an hour. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई second person के साथ. और चलिए बढ़ते हैं आगे third person के साथ. बात कर रहे हैं हम present perfect continuous negative sentences की. मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा है. मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा है. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. मोहन सुबह से काम नहीं कर रहा है. Time's up. Mohan सुबह से काम नहीं कर रहा है. Mohan has not been working since morning. Mohan has not been working since morning. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. Net Wednesday से नहीं चल रहा है. Net internet Wednesday से नहीं चल रहा है. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. Internet Wednesday से नहीं चल रहा है.
टाइम्स अप. इंटरनेट वेडनेसडे से नहीं चल रहा है. इंटरनेट हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस वेडनेसडे. इंटरनेट हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस वेडनेसडे. ऐसे ही सीता 2 मिनट से शांत नहीं बैठी है. सीता 2 मिनट से शांत नहीं बैठी है. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. सीता 2 मिनट से शांत नहीं बैठी है. टाइम्स अप. सीता 2 मिनट से शांत नहीं है या फिर शांत नहीं बैठी है. सीता हैज नॉट बीन क्वाइट फॉर 2 मिनट्स. सीता हैज नॉट बीन क्वाइट फॉर 2 मिनट्स. ऐसे ही डॉगी सुबह से सैर करने नहीं गया है. डॉगी सुबह से सैर करने नहीं गया है. 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए. डॉगी सुबह से सैर करने नहीं गया. टाइम्स अप. डॉग सुबह से सैर करने नहीं गया है. द डॉग हैज नॉट बीन फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग. द डॉग हैज नॉट बीन फॉर अ वॉक सिंस मॉर्निंग. ऐसे ही पापा ने सुबह से बात नहीं की है. पापा ने सुबह से बात नहीं की है. 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए. टाइम्स अप. पापा सुबह से बात नहीं कर रहे हैं. पापा हैज नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग. पापा हैज नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ऐसे ही अब रूरल में कुछ बना लेते हैं. ये सब कल शाम से खेल नहीं रहे हैं. ये सब कल शाम से खेल नहीं रहे हैं. जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास. ये सब कल शाम से खेल नहीं रहे हैं. टाइम्स अप. ये सब शाम से खेल नहीं रहे हैं. दे ऑल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस लास्ट इवनिंग. दे ऑल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस लास्ट इवनिंग. तो दोस्तों, ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंसेस की. आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज. वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग. We have not been sleeping since last evening. You have not been listening to Radio Udaan for a few months. Tum kuch mahino se Radio Udaan nahi sun rahe ho. You have not been listening to Radio Udaan for a few months. You all have not been making a noise for 10 minutes. 10 minutes se tum sab shor nahi macha rahe ho. You all have not been making a noise for 10 minutes. Sita has not been preparing food for 15 minutes. 15 minutes se Sita khana nahi bana rahi hai. Sita has not been preparing food for 15 minutes. Aise hi Sangeeta kal sham se ghar nahi aayi hai. Sangeeta kal sham se ghar nahi aayi hai. Sangeeta has not been to home since last evening. Aise hi ye sab ladke सुबह से शोर नहीं मचा रहे हैं. ऑल दिस बॉयज हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग. ये सब छात्र 2009 से स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं. ऑल दिस स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2009. तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये
present perfect continuous, interrogative sentences, present perfect continuous, affirmative sentences, present perfect continuous, negative sentences. तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को समझ आ गए होंगे ये sentences, present perfect continuous sentences. तो मिलते हैं अब एक promo ad के उस पर और आप instantly हमें feedback भेज सकते हैं. Radio उड़ान है हमारी Skype ID. मिलती हूँ मैं आपको promo ad के उस पर. Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible, and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes, only on Radio Udaan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Bala Nagendran. Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to World This Week, a bomb on the globe. If you are a sports lover, अगर आपको खेल और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना. Tune on to Radio Udaan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए. Only on Radio Udaan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट हिस्से में इस मिस्ट्री ऑफ 26 के एपिसोड के. तो आज हमने बात की है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की. हमने बनाए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस. और अब इतना समय नहीं रहा कि मैं और बात कर सकूं या और कुछ डिस्कस कर सकें, पर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो हमें फीडबैक भेजिए. हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com. आप हमें स्काइप पे भी ऐड कर सकते हैं, रेडियो उड़ान है हमारी आईडी. फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, हमारा यूआरएल है www.facebook.com/radioudaan. तो दोस्तों इंतजार किस बात का, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, गलतियां तो होनी जरूरी हैं, पर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी फीडबैक सेगमेंट में. तो जैसे कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ. तो दोस्तों अब आरजे दिव्या शर्मा यानी कि मैं लेती हूँ आपसे इजाजत. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम डे मंडे 9 टू 10 पीएम और रिपीट एवरी ट्यूजडे 4 टू 5 पीएम. फिर भी कोई कारणों की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप नहीं सुन पाए हैं तो डोंट वरी, आप एडवांटेज ले सकते हैं हमारे आर्काइव सेवा का, आर्काइव सेगमेंट का. तो वहाँ पे आपको आपका मनचाहा एपिसोड मिल जाएगा. तो अब बने रहिए रेडियो उड़ान के संग. आ रही है आगे मोनिका झा विद द शो लेट्स प्ले 2020. गुड लक, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस. आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल लॉगिंग ऑफ. Here comes a trip to temptation, a journey to jollity, a departure to delight, a voyage to veracity, a flight of life, Radio Udaan, Radio Udaan.